अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है? आज की वीडियो है अर्निंग करने के रिलेटेड एक और नए तरीक़ेकार के ऊपर। और तरीक़ेकार बहुत ज़बरदस्त है, और बल्कि ज़बरदस्त क्या, बहुत ईजी भी है, और इसका बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे तरह से इसके ऊपर कमाई कर रहे हैं। ठीक है, आज उसका मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि वो है क्या चीज़, उसको हमने यूज़ किस तरह से करना है, उसका तरीक़ेकार क्या है, और उसके बाद इंशाल्लाह उसको यूज़ करके मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आपको दिखाएंगे भी कि उसको किस किस तरह से हम उससे जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो आप चैनल के ऊपर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो वो भी मिलती रहें। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ, जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ, बनाऊँ नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा अब जो चीज़ है, चीज़ क्या है, चीज़ है चैट जीपीटी। ठीक है, अब ये एक चीज़ इस तरह की है कि ये जो है चैट जीपीटी, ये इंटरनेशनल सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए हम बहुत सारा जो काम है वो आसानी से कर सकते हैं। मीन्स के ये एक, इसके पास डेटे की ना भरमार है, पूरी दुनिया के इंटरनेट का जो डेटा है वो इसके पास अवेलेबल है। ये उसको यूज़ करते हुए आप जो भी इसको कमांड देते हैं, उस कमांड के रिलेटेड ये आपको चीज़ें निकाल के दे देता है। मीन्स कि अगर आप कहते हो कि आर्टिकल लिखना, आप इसको कमांड दोगे जी आर्टिकल लिखो, ये आपको आर्टिकल लिख के देगा। आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, कोई इसको आप टॉपिक देते हो, जो आप इसको कहोगे ये वो करके देगी। वेबसाइट है, टूल है, चैट जीपीटी 4 भी आ चुका है, जो वीडियो क्रिएट करके भी आपको दे देता है। लेकिन इसको यूज़ करते हुए आप यहाँ से कॉन्टेंट लेके, कुछ ऐसी वेबसाइट्स और भी हैं जिन पर आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो एनिमेशन के ज़रिए, और सब कुछ फ्री है। मेन चीज़ फ्री है, और अच्छे तरीके से आपका यूट्यूब चैनल रन हो सकता है, आपके ब्लॉग्स चल सकते हैं, आप आर्टिकल लिख के देख सकते दे सकते हो, आप इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपना चैनल रन कर सकते हो, अपने ब्लॉग चला सकते हो। ठीक है, अपनी वेबसाइट्स को रन कर सकते हो, आप SEO कर सकते हो, आप दुनिया जहान का काम कर सकते हो इसको कमांड दे के। लेकिन वो कमांड एक तरीके का आपको आना चाहिए, इसको यूज़ करना आना चाहिए कि इसको हम यूज़ किस तरह से करेंगे, ताकि इसको यूज़ करते हुए हम अपना जो रिक्वायर्ड डाटा है हम वो इससे लिखवा सकें, इससे बनवा सकें, या वीडियो क्रिएट करा सकें। ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से होगी, अगर आपको इसको यूज़ करने का पता होगा। अगर आपको यूज़ करने का नहीं पता, तब आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये करते हैं कि मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इसको हम कमांड किस तरह से देते हैं, और इसकी लेआउट्स क्या क्या हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी भी दो तरह के हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, इनकी एग्जाम भी, और हो सके तो मैं दो वीडियोस बना दूंगा, एक इस एक चैनल है इसके ऊपर चैट जीपीटी जो उसका प्लेग्राउंड है, एक उसके ऊपर डायरेक्ट जो ये है चैट जीपीटी उसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए ज़रा चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या, हम किस तरह से इसको यूज़ करते हुए कमाई कर सकते हैं। ठीक है, चलें ज़रा स्क्रीन पर चलते हैं जी। तो हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, मैंने आपको बताना था ओपन एआई के रिलेटेड कि ओपन एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी। अब हमारे पास वेबसाइट है openai.com, इसको हम ओपन करते हैं openai.com, यानी कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस .com। ये फ्री है, ठीक है, आप इस वेबसाइट के ज़रिए काफ़ी कुछ कर सकते हो। अभी इनका एक और जो नया जीपीटी आई है, पहले थी चैट जीपीटी, अब इंट्रोड्यूसिंग GPT-4 ओपन AI's मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम। अब इसके ज़रिए वीडियो भी वैसे क्रिएट हो जाती है, फ़िलहाल सुना है क्योंकि ये पेड है तो ये अभी तक यूज़ नहीं की, तो बाकी जो फ्री वाली है वो यूज़ की है, उसके बारे में आपको इंशाल्लाह जो सारी बात है वो बतानी है। अब यह चैट जीपीटी, वी हैव ट्रेंड अ मॉडल कॉल्ड चैट जीपीटी विच इंटरेक्ट्स इन अ कन्वर्सेशनल वे, द डायलॉग फॉर्मेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर चैट जीपीटी टू आंसर फॉलो अप क्वेश्चंस, एडमिट इट्स मिस्टेक्स, चैलेंज इनकोरेक्ट प्रेमिसेस एंड रिजेक्ट इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये करता क्या है, इसको एक ना चैट के ऑप्शन में, जैसे हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पर, जैसे किसी बात कर रहे होते हैं, तो हम इसको जब बात करते हैं, इसको कोई कमांड देते हैं, तो ये हमसे वैसे बात करता है, हमें उसके जवाब देता है। और एक तरीके से आप ये कह लें कि जैसे कि सीरी है आईफोन की, एप्पल की सीरी, या गूगल की है, गूगल जो असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हे गूगल करके बुलाते हैं, और सीरी को हे सीरी करके बुलाते हैं, ये वो चीज़ है। वो हमें जो उसके पास डाटा अवेलेबल होता है, जो मोबाइल को मैनेज करती है, हमें असिस्ट करती है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये वाली है,
चैट जीपीटी कह लें, ये बहुत एडवांस्ड है। इसके पास कह लें पूरे इंटरनेट का डाटा, हर जगह से डाटा गैदर करके हमें ये डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, ट्राई चैट जीपीटी, या यहाँ प्रोडक्ट्स के अंदर जाके चैट जीपीटी यहाँ से ओपन किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका चैट जीपीटी का बैकग्राउंड है, इस तरह से इसकी लेआउट है, इस तरह से ओपन होती है। एक और जो इनका स्टार्ट में आया था ना, वो था प्लेग्राउंड, ये वाला के playground.openai.com। इस पर हम प्लेग्राउंड को अगर ओपन करते थे तो यहाँ पे भी हम इसको कोई कमांड देते हैं तो ये वही काम करता था। लेट्स मैं आपको एक कमांड देख दिखाता हूँ, राइट एन आर्टिकल अबाउट फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग लिखने के बाद ये सबमिट का ऑप्शन है, इस पर हमने कर दिया क्लिक। ठीक है, अब इसने क्या करना है, ऑटोमेटिक उसके रिलेटेड जो है लिखना इसने स्टार्ट कर दिया। फ्रीलांसिंग हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर वे फॉर मेक पीपल टू मेक मनी, वेदर यू आर लुकिंग टू सप्लीमेंट योर फुल टाइम और इटीसी। इस तरह से इसने थोड़ी सी अगर स्किल्स भी बता दी। ठीक है, अब इसने यहाँ तक ब्रेक लगा दी है। हम इसको ये भी कह सकते थे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, हाँ ये अंडू लास्ट, और ये है रीजनरेट। सो हम अगर रीजनरेट पे क्लिक करते हैं तो ये कोशिश करता है कि उससे थोड़े से वर्ड्स चेंज करके, तो चेंजिंग में आ गया ना वो लिखता है। हम इसको कमांड ये भी दे सकते थे कि राइट एन 5000 वर्ड्स आर्टिकल अबाउट फ्रीलांसिंग, तो ये उसके हिसाब से हमें उतने वर्ड्स के हिसाब से बना के देता आर्टिकल। ठीक है, इधर ये मैक्सिमम लेंथ वगैरह आती है, इसको हम फुल पे कर देते तो ये ज़्यादा वर्ड्स लिखता। खैर ये पुरानी चीज़ है प्लेग्राउंड, इसको छोड़ो, असल चीज़ है ये चैट जीपीटी, न्यू चैट। ये मैंने बाकी जैसे यूज़ किया हुआ, तो ये न्यू चैट, ये नीचे न्यू चैट वाला ऑप्शन आ गया, चैट जीपीटी एग्जांपल्स कैपेबिलिटीज लिमिटेशंस, इसकी कुछ डिटेल्स आई खड़ी हैं। यहाँ पे हम इसको कहते हैं हाय, ये हमें क्या जवाब देगा, हाय का कोई जवाब आएगा, जवाब इसका भी आ जाता होता है। ये कन्वर्सेशन कहते हैं हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। ठीक है, आई वांट सम डाटा, ये हमसे बात भी करता है। ठीक है ना, श्योर आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, व्हाट काइंड ऑफ डाटा आर यू लुकिंग फॉर, प्लीज प्रोवाइड मी विद मोर डिटेल्स सो आई कैन असिस्ट यू बेटर। यानी कि एज एन असिस्टेंट ये हमसे बात कर रहा है, इसको हम जिस तरह से कमांड देंगे वो हमें काम करके दिखाएगा। अब हम इसको कहते हैं राइट एन 5000 वर्ड्स आर्टिकल अबाउट फ्रीलांसिंग इन 2022। ठीक है, इसको हमने कमांड दे दी। अब उसने क्या कहा, श्योर आई कैन हेल्प यू विद दैट, हियर इज एन आर्टिकल ऑन फ्रीलांसिंग ट्रेंड्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इंट्रोडक्शन उसने पहले दिया, फ्रीलांसिंग हैज बिकम एन इंक्रीजिंगली प्रॉपर चॉइस फॉर पीपल लुकिंग फॉर, ये वो करंट स्टेट ऑफ फ्रीलांसिंग, ट्रेंड्स इन फ्रीलांसिंग, इंक्रीज डिमांड फॉर रिमोट वर्क, द राइज ऑफ द गिग इकोनॉमी, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल स्किल्स, चैलेंजेस इन फ्रीलांसिंग, कंपटीशन, पेमेंट इशूज, बर्नआउट। अब इसने हमें सारी की सारी डिटेल्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है इस चीज़ के रिलेटेड, इसने हमें निकाल के इसने हमें एक प्रॉपर जो आर्टिकल बना के दे देना है। ठीक है, अब ये आर्टिकल हमने इससे लिखवा लिया, ये हमें कहाँ काम आ सकता है, ये हमें अपने जो वेबसाइट है, अपने जो ब्लॉग्स हैं जहाँ हमने आर्टिकल लिखने होते हैं वहाँ हमारे काम आ सकता है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है, आप ब्लॉग इसे लिखवा सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप इससे बात करो, भाई हमें ये ब्लॉग चाहिए, ये आपको लिख के देगी चैट जीपीटी। एक मैंने उसको दिया है, ये कह लें ये इसको मैंने दिया है कमांड, और ये डाटा आप देख सकते हैं कि उसने मुझे कितना बना के दे दिया है। ठीक है, कन्क्लूजन यहाँ तक एंड कर दिया है। आप रीजनरेट रिस्पॉन्स करते हैं तो उसने उसको फिर से जो है स्टार्टअप दे दिया, लेकिन अब उसकी वर्डिंग्स चेंज होंगी। ठीक है, उसका थोड़ा सा जो है वो चेंज करके इसको बनाएगी और आपको लिख के दे देगी। पहले वाला यहीं पे खड़ा है, पहले वाला कहीं नहीं गया, ये ऊपर से ऑप्शन आ रहे हैं 1/2, 2/2। ठीक है, ये लिख रहा है, ये लिख के हमें दे रहा है। यहाँ पर ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो तब भी आपको तो काम देगी, अगर आप आर्टिकल्स लिखना चाह रहे हो, आपने SEO करवानी है, आपने हैशटैग्स ढूंढने हैं, आपने टॉप रेटेड हैशटैग्स निकालने हैं, इस तरह से कोई चीज़ जो काम लेना है इससे लो यार, इसको यूज़ करके बंदा कमाई भी कर सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में थोड़ा सा आपको मैं डेमो करके दिखाऊंगा कि इसमें हम क्या क्या काम करके तो इजीली जो है वो कमाई कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है कि चैट जीपीटी की समझ आ गई होगी और ये काफ़ी लोगों को आम जिंदगी में भी काम देगा और अर्निंग के हवाले से भी काम देगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।